नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे आप सभी अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लीजिए और वहां पर सर्च कीजिए सरकारी उजाला या sarkariujala.com। स्पेलिंग है SARKARIUJALA, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट में मिलेगा sarkariujala.com की वेबसाइट, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आ जाएंगे आपके sarkariujala.com के होम पेज पे। sarkariujala.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट या एडमिट कार्ड या रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस वेबसाइट पे दी जाती है। फिलहाल आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहां पे अपने बाएं साइड में देखेंगे, अगर मोबाइल में देख रहे होंगे तो दाएं साइड में आपको मिलेगा यह सेक्शन। यहां पे बाएं साइड देखेंगे एडमिट कार्ड का सेक्शन बना हुआ है, जहां पर सबसे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है राजस्थान RSM SSB CET एडमिट कार्ड 2024 आउट। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज पे आएंगे। एग्जाम 27 से लेकर 28 दिसंबर तक होने वाली है। एडमिट कार्ड 19 सितंबर को जारी हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम है 27 से लेकर 28 सितंबर तक होने वाली है और एडमिट कार्ड 19 सितंबर 2024 को जारी हुई है। नीचे आएंगे इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में, जहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड। सामने है सर्वर वन सर्वर टू इसलिए दिया गया है क्योंकि एक सर्वर अगर फेल हो जाती है तो सेकेंड सर्वर से आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। फिलहाल हम सर्वर वन पर क्लिक करेंगे और सर्वर वन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो हम इस पर क्लिक करते पहले आपके सामने ये पेज खुलेगी। पेज खुलने के बाद आपके सामने जो दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट में ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2024 RSSB, सामने गेट एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से इस तरह से इनपुट बॉक्स खुल जाएगी, फॉर्म टाइप का खुल जाएगा, जिसमें प्री एग्जाम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको वैसे रहने दीजिए। यहाँ पे एग्जाम इंटर एप्लीकेशन नंबर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। एप्लीकेशन नंबर जब आप फाइनल PDF आपको निकला होगा जो एडमिट कार्ड का फॉर्म भरने का, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, उस पर लिखा होगा। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेना है, या तो यहाँ से ही भर सकते हैं क्लिक करके, या इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कैलेंडर टाइप का। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 4/5/2003 है, तो सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, 2003 ले लीजिए, 5 यानी कि मई, इसके बाद 4, ठीक है, इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिए। इसके बाद ये कैप्चा आपको भरना होगा 5872 48, ये रेंडमली चेंज होता है तो आपको सामने जो भी दिखे उसको यहाँ पे सेम टू सेम फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5872 48, इस तरह से लिखना है। और इतना भरने के बाद गेट एडमिट कार्ड का बटन है आपको नीचे मिल जाएगा, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते ही आपके सामने राजस्थान सीईटी 2024 का एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं एडमिट कार्ड। इसके बाद इसको चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने या सेव करने के लिए आप अपने बाएं साइड में एक कोना में देखेंगे प्रिंट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो अपने मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर में CTRL और +P दबा के आप अपना प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अभी जाए sarkariujala.com पे अपना CET का यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।